ये प्रश्न था। और जो भाई बहन एडवांस मुरली पढ़ते हैं वो प्रश्न भेज देते हैं। तो ये प्रश्न भेजा है भाई ने कि शिव बाबा को यथार्थ रूप से कैसे जाने, बाबा के बच्चे जो रोजाना मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो भी बाबा को यथार्थ रूप से नहीं जानते। तभी बाबा ने कहा कोशिश करूंगा जितना मुझे समझ में आया है आपके सामने प्रस्तुत करने का कि परमात्मा को यथार्थ रूप में कैसे जाए, क्या है परमात्मा का यथार्थ रूप। कुछ बातें किसी को बुरी भी लग सकती हैं क्योंकि भावनावश जो भावना वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कठोर लग सकता है, परंतु कोई बात नहीं, आप मेरे को अपनी भावना जरूर व्यक्त करना। सबसे पहली बात, परमात्मा ज्योति बिंदु है और ज्योति बिंदु भी इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि हम उसे बना नहीं सकते। बिंदु की परिभाषा ही यही है, एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना, जिसको मैं बाबा की मुरलियों से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि बाबा ने पहले पहले शुरू शुरू में कहा अंगूठे मिसल है, फिर कहा चने मिसल है, फिर कहा खसखस के दाने मिसल है, फिर कहा वो बड़ के बीज के बराबर है। फिर एक दिन बाबा ने आ करके कहा, मैं उस मुरली को पढ़ा, मुझे बड़ा वंदर लग रहा था, बाबा कहते बच्चे आओ आज मैं तुम्हें आत्मा के बारे में बताता। एक कॉपी लेके आए थे, क्यों प्रदर्शनी नहीं थी, एक पेंसिल लेके आए थे, उसे शार्प करके एक छोटा सा बिंदु लगा के कहा ऐसी होती है आत्मा। वंदर है, बिंदु इतना छोटा बिंदु होती है आत्मा। अब देखिए कि साइंस के तो बहने नहीं थी, भाई बहन नहीं थे जो साइंस के इतनी गहराई से समझने वाले हों, और मैंने ये साइंस की डेफिनेशन पर गया, बिंदु की डेफिनेशन पर, तो मुझे समझ में आया कि बिंदु की परिभाषा साइंस में यही है, एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना। तो बाबा ने कहा जो तुमने चित्र बनाए हुए हैं ये मेरी एक्यूरेट आकृति नहीं है। जिनको बैठकर सारे हमारे भाई बहन योग लगा रहे हैं ये परमात्मा की एक्यूरेट आकृति नहीं है, ये समझाने के लिए है। परमात्मा की एक्यूरेट आकृति कोई ड्रा ही नहीं कर सकता, इन आंखों से देख ही नहीं सकता। इसलिए आपकी भावनाओं को बेशक ठेस पहुंच रही होगी। ये जो हमने आकृतियां बना के रखी हैं ये आकृतियां समझाने के लिए ठीक हैं, नयों को बताने के लिए ठीक हैं, परंतु यथार्थ याद के लिए ये आकृति बुद्धि में ना रहे। पहली पहली बात, परमात्मा का रूप जो बना के रखा है ये बुद्धि में है तो हम परमात्मा को यथार्थ याद नहीं करते, जानते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का ये यथार्थ रूप है ही नहीं।
बाबा कहते, मुझे निराकार कहने का मतलब ये नहीं कि मेरा आकार नहीं, मेरा आकार है परंतु तुम मेरा आकार बना नहीं सकते, ये तुम्हारी असमर्थता है। परंतु बाबा का यथार्थ रूप है, वो रूप ना तो इन आंखों से देखा जा सकता है ना ही उसे बुद्धि से बनाया जा सकता है। बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न आता है, फिर हम क्या विजुलाइज करें, हम स्टार देखते हैं ना, स्टार देखते हैं देखो, वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा को विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की यथार्थ याद है उसको उसके गुणों से समझना, उसके रूप से नहीं। उसे कोई विजुलाइज करने की जरूरत नहीं, विजुलाइजेशन करेंगे हम अपने अनुमान से, वो अनुमान है। क्योंकि उसकी एक्यूरेट फिगर ड्रॉ नहीं हो सकती, बुद्धि में केवल हम समझ सकते हैं कि वो इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है जिसे हम सोच भी नहीं सकते, साइंस का कोई साधन उसको नाप नहीं सकता, जिसका वॉल्यूम जीरो, जिसका वेट जीरो। जो है ही जीरो शिव, उसके नाम में स्पष्ट है। सबसे पहली भ्रांति जो है यथार्थ जानने में वो ये। अब उसे याद कैसे करें, उसे याद करने के लिए कोई शब्द कोई मंत्र कुछ भी बाबा ने कहा बोलने करने की जरूरत नहीं। परमात्मा को याद करना उसके ज्ञान से है, जिसके लिए बाबा ने एक दिन प्रश्न पूछा कि बाबा से ज्यादा प्यार है या बाबा की मुरली से। जिनको बाबा से प्यार है वो हाथ खड़ा करें, जिनको बाबा की मुरली से प्यार है वो हाथ खड़ा करें, अलग अलग हाथ खड़े कराएं। आप सभी जानते होंगे उसका जवाब, नहीं भी जानते हैं तो जान लेंगे। बाबा ने कहा जिनको बाबा की मुरली से प्यार है वो एक्यूरेट है। वो एक्यूरेट है, वो प्यार है। बाबा से प्यार, बाबा की मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार। बाबा की मुरली से प्यार नहीं है तो बाबा से प्यार नहीं, बाबा से प्यार है तो बाबा से प्यार का सबूत है बाबा की मुरली से प्यार, जिसको मैं सामान्य रूप से एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि याद की विधि ही गलत हो गई है। यथार्थ रूप परमात्मा का हम अपनी बुद्धि में बिठाएं, मुरली ही परमात्मा है। परंतु फिर यह गलतफहमी ना हो जाए कि चार पन्ने परमात्मा है। उनके द्वारा दी गई समझ ही परमात्मा।
यही गलतफहमी होती है, शब्दों में स्पष्ट नहीं कर पाते। मैं उतने अच्छी तरह शब्दों में स्पष्ट कर नहीं पा रहा हूं, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्पष्ट कर सकूं। गलत फहमी होती है, उस गलत फहमी को दिखा रहा हूं आपको कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ये ज्ञान ही हमारा गुरु है, आज के बाद कोई गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु बना दिया, बन गया। यहीं से शब्दों के अर्थ लेने में मिस्टेक हो जाती है। बाबा का ज्ञान ही हमारा बाबा है। मुरली, मेरा कहने का भाव था, बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान ही बाबा है। उस ज्ञान को ही अपने जीवन में अप्लाई करना, बाबा को याद करना है। वो बाबा के डायरेक्शंस हैं। अब हम मुरली सुनते हैं, भक्ति मार्ग की तरह मैं देखता हूं कि बहुत सारे भाई बहन आते हैं, मुरली ऐसे सुनते हैं जैसे सत्संग में जा रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई। परंतु घर आए फिर वहीं के वहीं, जिसको बाबा रोजाना मुरली में कहते हैं, यहां से बाहर निकले और खत्म। बाबा ने जो कहा वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, जिसका एग्जाम्पल मम्मा जगत अम्बा, बस सुना और जीवन में आया, खत्म। फिर उसको दूसरा मौका नहीं दिया। बाबा को दोबारा कहना पड़े नेवर, मम्मा को दोबारा नहीं कहना पड़े। और मैं देखता हूं हम, मैं स्वयं उसमें इंक्लूड हूं, क्योंकि ज्ञान तो अब समझ में आ रहा है, भल मैं 30 साल से ज्ञान में हूं, परंतु ज्ञान समझ तो अब आ रहा है। कि बाबा को यथार्थ याद माना, बाबा के एक एक डायरेक्शन पर चलना। प्यार का मतलब ही होता है कहना मानना। याद किया ही उसको जाता है जिससे प्यार होता है, प्यार उससे होता है जिससे फायदा होता है। अपने आप को बैठकर समझाना कि परमात्मा से अच्छा वेल विशर, अच्छा गाइड दुनिया में कौन हो सकता है। सिवाय परमात्मा के कोई नहीं हो सकता, ये जवाब आपको मिलेगा। फिर मैं किसी और का कहना क्यों मान रहा हूं? फिर मैं परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन पर क्यों नहीं चल रहा हूं? जिसको बाबा कहते बच्चों में निश्चय की कमी है, डाउट है। आज भी एक भाई ने प्रश्न भेजा कि मुझे विश्वास दिलाओ कि ये ज्ञान सुनाने वाला भगवान है। मैं 2013 से इसी प्रश्न पर अटका हुआ हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान पढ़ाने वाला है। मुझे मुरलियों में डाउट खड़ा होता है। यथार्थ, बाबा का यथार्थ परिचय है कि परमात्मा सारे संसार की आत्माओं का कल्याणकारी है। शिव।
ये उसकी विशेषता से उसको याद करना है। और हमें बाप समान बनना है तो हमें हर एक आत्मा का कल्याणकारी बनना है। हमें एक भी संकल्प ऐसा ना आए, उसमें इंक्लूडिंग मी, किसी को दुख नहीं पहुंचे, मुझे भी दुख नहीं पहुंचे और किसी को दुख नहीं पहुंचे, तब हम बाप समान बनेंगे। परमात्मा की ये डायरेक्शन हमको अपने जीवन में लानी है, बाप समान बनना है। और बाप समान बनने के लिए हमारे सामने एक मिसाल रखी है ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की। एक बुजुर्ग जिसने विकारी जीवन को देखा, एक पवित्र जिसने विकारी जीवन देखा ही नहीं, ताकि दोनों में से कोई ये कंप्लेन ना कर सके, वो कंप्लेन ना कर सके कि ब्रह्मा बाबा ने तो सारा जीवन देख लिया था उसके बाद संन्यास किया, मम्मा ने तो नहीं देखा था फिर संन्यास किया। परमात्मा को यथार्थ जानना है कि ये विशेषताएं इतने बड़े विश्व को एक सूत्र में बांधना, ये ज्ञान बाबा चैलेंज करते, किसी के पास नहीं है, कोई नहीं दे सकता। बाकी गुरु मना करते हैं कि दूसरे गुरु के पास नहीं जाना, दूसरे सत्संग में नहीं जाना, यहां बाबा कहते जाओ, सबको चेक करके आओ, सबको चेक करके आओ कौन सच कहता है, वो सच कहते हैं या मैं सच कहता हूं। यह चैलेंज है, चैलेंज कहीं आपको नहीं मिले, यथार्थ सच्चाई की तरफ निश्चय दिलाने के लिए। पूरी दुनिया में अंडा पहले मुर्गी पहले इसका जवाब नहीं है, और कमाल की बात है बाबा ने इतना सहज इतना आसान इस प्रश्न का जवाब दिया है, मुर्गी पहले कि अंडा पहले। और वो वंडरफुल चित्र है सृष्टि चक्र का, जिसमें नीचे इन तीन चार लाइनों के अंदर सारे यूनिवर्स की सच्चाई लिखी हुई है। आप पहली बार नहीं आए, 5000 साल पहले भी आप आए थे, अब आए हो फिर आओगे, क्योंकि रिपीट हो रहा है। ये एक एक एग्जाम्पल इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना सर्टिफाइड है, इतना राज खोलने वाला है, तो सारे इतिहास भूगोल और सारे सृष्टि के ज्ञान को आंखें खोल देता है। अब छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकेंगे, इस सेकंड ना केवल आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस सेकंड आपके आसपास, आपसे बाहर, आपसे दूर, कितना दूर हो सकता है पूरे यूनिवर्स के अंदर, जो कुछ भी जहां है, चाहे वो ग्रह, उपग्रह, सौर फैमिली, ओ दुनिया भर का कुछ भी, पूरे पृथ्वी पर, पूरे यूनिवर्स में, पूरे खगोल में,
जो चीज इस सेकंड जहां है वो सब 5,000 साल बाद वही होंगे, और हर 5,000 साल बाद वही होते हैं। इतना क्लियर, इतना स्पष्ट, इतना सहज। यथार्थ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज यथार्थ। एक एक गहराई कितनी सीधी है, कितनी सिंपल है। और कैसे बच्चों को चुना, कैसे पढ़ाया, कैसे समझाया, क्या वंडरफुल बात है। अब उनकी पालना से पढ़कर इन दादियों ने पूरे यूनिवर्स, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहां कहां देखो। ये किसकी कमाल है। हर एक आत्मा को बाबा से ये ज्ञान लेना है, सारे धर्म पिताओं को ये ज्ञान लेना है। कहां जाएंगे, हट्टी तो एक है। क्या वंडरफुल लाइन है। ये बातें बुद्धि में बैठ जाएं, इनको बिठाने के लिए बाबा कितनी मेहनत करता है। हर एक को, हर कैटेगरी को, हर वर्ग को, हर एज को समझाने की क्षमता रखता है। ये बाबा की यथार्थता है। और बाबा हलचल से मुक्त रहता है क्योंकि उससे ड्रामा का राज मालूम है। कोई ज्ञान ले रहा है, नहीं ले रहा है, भाग रहा है, सुन रहा है, छोड़ के जा रहा है, आ रहा है, बाबा को पता है। सब एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहा, इसलिए हलचल में नहीं आता। और हमें भी ये बात स्मृति में दिला रहे हैं, क्यों हलचल में आते। सब एक्यूरेट हो रहा है। इस ब्रह्मा बाबा को सोचना पड़ता है, मुझे सोचना नहीं पड़ता, शिव बाबा कहते। ये लाइन समझना यथार्थता है। इतना प्रेजेंट में रहते हैं शिव बाबा। इतना निश्चिंत रहते हैं शिव बाबा। क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को क्षय किया है, हमें वापस उस एनर्जी को गेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। एक एक बात मेरे को इतनी कमाल की लगती है ना। जिस ग्रेड पर जो आत्मा आई थी उस ग्रेड पर वापस जाना है। जो आत्मा 100% प्योर आई थी उसे वापस जाने से पहले 100% बनना है। बाबा इस बात से निश्चिंत है, परंतु हमें वो बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। जाने अनजाने में सभी आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं। कर रही और करेंगी, बनेंगी। जो 70 पर आई थी वो 70% प्योर बनकर जाएगी। जो 60% प्योर आई थी वो 60% प्योर बन के जाएगी। जो 30 आई थी वो 30 ही बन के जाएगी। 31 नहीं बन सकती। उससे ये ज्ञान
उतना ही समझ में आएगा। यथार्थ याद, यथार्थ रूप परमात्मा को का ज्ञान ही परमात्मा का यथार्थ रूप है। बाबा ने कई मूल्यों में ये बात स्पष्ट किया है कि चित्र आगे नहीं हो, बुद्धि में विचित्र हो। यदि चित्र आगे होगा तो चित्र के बिना योग लगेगा नहीं। नयों को चित्र के आगे बैठना पड़ता है क्योंकि उसको आदत नहीं है, अभी उसके सामने यथार्थ परमात्मा का परिचय नहीं है। उन्हें चित्र के आगे बैठना है क्योंकि वो तो जानता नहीं ना। परंतु यथार्थ परिचय ले लिया फिर चित्र के गुलाम क्यों, रेड लाइट के गुलाम क्यों, गीत और कमेंट्री के गुलाम क्यों? ये नयों के लिए है। जब तक यथार्थ परिचय नहीं मिला है तब तक के लिए। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न उठता हो तो अवश्य 9213106986 पर भेजकर सेवा का मौका दें। ओम शांति।